नमस्कार, हूँ आदर्श छू। वेलकम टू आदर्श एजुकेशन सोसाइटी। हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? स्टैंडर्ड 3, सब्जेक्ट इंग्लिश, यूनिट 12, हेल्थ इज वेल्थ, पार्ट 1। सो ये पूरा यूनिट हेल्थ के बारे में है, राइट? अगर आपको हेल्दी रहना है तो डेली एक्सरसाइज करनी होगी, वॉकिंग करना होगा, राइट? और अपनी हेल्थ का ख्याल रखना होगा। सो लेट्स स्टार्ट विथ अवर यूनिट एक्टिविटी 1। एक्टिविटी 1 में रीड दिस राइम, हमको एक राइम दी गई है जो हम रीड करेंगे। अ लिटिल बेड एंड अर्ली टू राइज, हमें जल्दी सो जाना चाहिए और सुबह जल्दी उठना चाहिए। मेक्स अ मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज, जो सुबह जल्दी उठेगा वो हेल्दी रहेगा, वेल्दी रहेगा और वाइज रहेगा। तो हेल्दी का मतलब है तंदुरुस्त रहना, राइट? वेल्दी का मतलब है धनिक रहना। अगर आप टाइम पे उठोगे, टाइम पे अपने जॉब पे जाओगे, टाइम पे काम करोगे, राइट, तो आप ऑफ कोर्स वेल्दी भी रहोगे एंड वाइज। वाइज यानी हमारा जो दिमाग होता है वो फ्रेश रहता है, इसलिए काम करने का अंदाज भी बदल जाता है। सो फिर से एक बार मैं ये राइम्स रिपीट कर लेती हूँ। अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। आफ्टर दैट सम क्वेश्चंस आर गिवन, वर्क इन पेयर्स एंड डिस्कस द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हमें पेयर्स में यानी कि दो लोग साथ मिलके एक दूसरे को हम क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट वन इज, डू यू गेट अप अर्ली, क्या आप जल्दी उठते हो? तो ऑफ कोर्स यस, बिकॉज आवर स्कूल इज इन द मॉर्निंग। यस, हमारी स्कूल सुबह है, इसलिए ऑफ कोर्स ऑल द स्टूडेंट्स गेट अप इन अर्ली, राइट? नंबर टू, डू योर पेरेंट्स एडवाइज यू टू गो टू बेड अर्ली एंड गेट अप अर्ली, व्हाई? क्या आपके पेरेंट्स आपको जल्दी उठने के लिए बोलते हैं? क्यों बोलते हैं? यस, ऑफ कोर्स आवर पेरेंट्स टॉल्ड अस टू गेट अप अर्ली, राइट? हमारे पापा हमारे मम्मी हमें जल्दी उठने के लिए बोलते हैं, लेकिन क्यों बोलते हैं नहीं पता। चलो मैं आपको बताती हूँ। अगर आप जल्दी सो जाओगे तो आपकी नींद पूरी हो जाएगी, इसलिए सुबह भी आप जल्दी उठोगे, राइट? अगर आप देर से सोते हो और सुबह स्कूल जाना होता है तो स्कूल में क्या होता है? बेचैनी रहती है, नींद आती है, पढ़ने का मन नहीं करता, राइट? इसलिए हमारे पेरेंट्स हमें जल्दी सो जाने को बोलते हैं। नंबर थ्री, व्हाट अदर एडवाइस इज गिवन टू यू टू स्टे हेल्दी? अगर हेल्दी रहना है तो दूसरी कौन सी एडवाइस को फॉलो करना होगा? एक्सरसाइज करनी होगी, राइट? एक्सरसाइज करने से हम हेल्दी रहते हैं। प्ले आउटसाइड, बाहर खेलना होगा, पूरा दिन कंप्यूटर, मोबाइल और टीवी के सामने नहीं बैठना है, राइट? और क्लीन वाटर ड्रिंक, क्लीन पानी पीना है और फ्रेश वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स खाने होंगे, राइट? इससे भी हम हेल्दी रह सकते हैं। आफ्टर दैट वर्क इन पेयर्स, लिस्ट द एडवाइस गिवन टू यू बाय योर एल्डर्स टू मेक यू हेल्दी। आपसे जो बड़े हैं, आपके जो एल्डर्स हैं, उसकी एडवाइस लेनी होगी कि हेल्दी रहने के लिए क्या करना होगा, राइट? सो उसकी आपको एक लिस्ट बनानी है कि हेल्दी रहने के लिए क्या क्या करना होगा। लेट्स मूव ऑन अदर एक्टिविटी, एक्टिविटी 2, रीड दिस पैसेज। हमें यहाँ पे एक पैसेज दिया गया है, हमें उसे रीड करना होगा। हाइजेनिक इज ऑल अबाउट कीपिंग वनसेल्फ क्लीन एंड हेल्दी। हाइजेनिक यानी कि स्वच्छता। स्वच्छता क्या करती है? एक तो हमें खुद को क्लीन करना होगा और हमें स्वस्थ रहना होगा। यहाँ से हाइजेनिक की शुरुआत होती है। यू आर अ वेरी इम्पोर्टेंट पर्सन एंड यू शुड कीप योर सेल्फ हेल्दी। आप एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सन है, सबको अपनी लाइफ पसंद है, राइट? तो अब
अपनी लाइफ को हेल्दी कैसे बनाना है वो हमें ही पता होना चाहिए, राइट। हाइजीन प्रमोट्स द हेल्थ ऑफ पीपल एंड द कम्युनिटी। हाइजीन किसको बढ़ावा देता है? प्रमोट यानी बढ़ावा देना। प्रमोट मीन्स टू हेल्प समथिंग टू हैपन और डेवलप, राइट। सो वो किसे बढ़ावा देता है? पीपल, लोगों को, और कम्युनिटी यानी के पूरे ग्रुप को बढ़ावा देता है। दीज आर सम क्लीन हैबिट्स एवरीवन शुड ट्राई टू फॉलो। यहाँ पे बहुत ही अच्छी आदतें हैं जो सबको फॉलो करनी होगी, राइट। लेट्स लर्न द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लीनलीनेस। तो चलो हम क्लीनलीनेस की इम्पोर्टेंस के बारे में देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमें यहाँ पे एग्जाम्पल दिए गए हैं। डेंटल हाइजीन इज मेड अप ऑफ ब्रशिंग योर टीथ एटलीस्ट टू टाइम्स ईच डे एंड ट्राइंग नॉट टू ईट टू मेनी स्वीट्स। हमें रोज दो बार ब्रश करना होगा, राइट। एक सुबह उठते ही और दूसरा शाम को सोने से पहले, राइट। कौन कौन स्टूडेंट इनमें से टू टाइम्स ब्रश करते हैं? ठीक है, अगर नहीं करते तो आज से ही हम शुरू कर देंगे, ओके। एंड ट्राइंग नॉट टू ईट टू मेनी स्वीट्स। यस, चॉकलेट किसको किसको पसंद है? ऑलमोस्ट सभी बच्चों को। तो हमें बहुत ज्यादा चॉकलेट्स नहीं खानी चाहिए और चॉकलेट खाने के बाद मुंह को अच्छी तरह से साफ कर देना चाहिए। इससे हमारे जर्म्स हमारे मुंह में इकट्ठा नहीं होंगे। टेकिंग गुड केयर ऑफ योर माउथ एंड टीथ विल हेल्प यू टू हैव अ नाइस स्माइल। अगर आप अपने मुंह का और दांत का अच्छी तरह से ख्याल रखोगे तो आपकी स्माइल भी कैसी होगी? अच्छी। वरना क्या होगा? अगर आपके दांत पीले रह गए और आपने स्माइल की तो क्या वो स्माइल अच्छी होगी? नो। इसलिए हमारा मुंह और हमारे दांत क्लीन रखने चाहिए, राइट। आफ्टर दैट हैबिट फॉर गुड हेल्थ इंक्लूड। हमें यहाँ पे गुड हेल्थ की बहुत सारी हैबिट्स दी गई है कि हमें क्या क्या करना चाहिए, राइट। सो फर्स्ट वन इज गेटिंग अ गुड नाइट्स स्लीप। हमें अच्छी नींद लेनी चाहिए। मिनिमम हमें 8 आवर्स की नींद लेनी चाहिए। इससे हेल्थ बेस्ट रहती है, ओके। नेक्स्ट वन इज ईटिंग अ गुड ब्रेकफास्ट। हमें सुबह का नाश्ता अच्छी तरह से करना चाहिए। डोंट स्कीप ब्रेकफास्ट बिकॉज इट गिव्स यू द एनर्जी यू नीड टू मेक इट थ्रू टू लंच। आपको लंच तक जो ब्रेक मिलता है उस तक आपको काम करने की एनर्जी ब्रेकफास्ट देता है, राइट। वॉशिंग योर हैंड्स फ्रीक्वेंटली टू अवॉइड स्प्रेडिंग जर्म्स। जो कीटाणु होते हैं, जो आप बाहर खेलने जाते हो उसके जो कीटाणु होते हैं उससे बचने के लिए घर पे आके ही डायरेक्टली हम हैंड वॉश करते हैं, राइट। आफ्टर दैट टेकिंग अ बाथ डेली टू कीप द डर्ट एंड ऑडर अवे। हमें कीटाणुओं से बचने के लिए डर्ट जो हम खेल कूद के आते हैं, धूल मिट्टी हमारे जर्म्स शरीर पे जो लग जाते हैं, तो हमें स्नान करके उसको दूर भगाना है। डर्ट यानी धूल मिट्टी एंड ऑडोर यानी बदबू, राइट। आप सोचो अगर एक दो दिन आप नहाए नहीं तो हमारे बॉडी में से कैसी स्मेल आएगी? अच्छा लगेगा? कोई फ्रेंड्स आपके पास खड़ा रह पाएगा? सोचो नहीं। इसलिए हमें रोज अच्छी तरह से स्नान करना होगा। वॉकिंग, प्लेइंग, राइडिंग योर बाइक। जब आप वॉक करते हो, खेलने जाते हो, बाइक चलाते हो, उसके अलावा हेल्थ का हम कैसे ख्याल रखेंगे? डोंट फॉरगेट टू गिव सम एक्सरसाइज टू योर ब्रेन बाय रीडिंग एंड डूइंग योर स्कूल वर्क टू। हमें हमारी जो एक्सरसाइज है उसे स्टॉप नहीं करना चाहिए, थोड़ा बहुत रीड भी करना चाहिए। अगर हमें बुक्स में इंटरेस्ट नहीं है तो कोई बात नहीं,
हम न्यूज़पेपर रीड करेंगे, स्टोरी बुक रीड करेंगे, पोएम्स रीड करेंगे, लेकिन रोज डेली थोड़ा बहुत रीड करना चाहिए एंड डूइंग योर स्कूल वर्क टू, और स्कूल का होमवर्क भी करना चाहिए। इसमें लिखा है इसलिए नहीं करेंगे, लेकिन एक साथ होमवर्क इकट्ठा ना हो जाए इसलिए रोज का होमवर्क रोज हम कर लें, राइट। आफ्टर दैट एक्टिविटी 3, वर्क इन ग्रुप्स ऑफ 4, हमें 4 चिल्ड्रन के ग्रुप बनाने होंगे। फाइंड आउट व्हाट योर फ्रेंड्स डू टू कीप हेल्दी, अब ये ढूंढना होगा कि आपका फ्रेंड हेल्दी रहने के लिए क्या करता है, देन रिपोर्ट इट टू द क्लास, और क्लास में उसका रिपोर्ट बनाना है, राइट। सो कोई फ्रेंड्स जिम जाता होगा आपका, यस, कोई साइकिलिंग करता है, कोई वॉकिंग करता है एंड कोई योगा करता है सुबह उठ के, राइट, सम एक्सरसाइज। तो ये हमें इकट्ठा करनी है इंफॉर्मेशन और अपनी नोटबुक में लिखना है। सो हियर आवर एक्टिविटी 1, 2 एंड 3 हैव कंप्लीटेड। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस।